अलग ही है। ओ तो बाइक थोड़ी स्किड कर गई। वापस कटरा वाली साइड से जम्मू की तरफ, तो ये शायद लोग जो है देवी पिंडी रुकेंगे, बट मुझे लेट हो गया, मुझे जाना है जम्मू की तरफ। तो रास्ता एक बार चेक करो यार, कितना गंदा है। इसी रास्ते से हम आए थे, तो देख सुन के आना पड़ता है क्योंकि रास्ते के बीचों बीच गड्ढा होता है। मुझे बाइक संभाल के चलानी है भाई, प्यारी है, यही जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती है। अगर इसकी केयर नहीं करूँगा तो भाई कहीं ऐसी जगह खज्जल करी होगी जहाँ मैंने सोचा भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये वही रफ पैच जो हमने पहले कवर किया था यार। तो ये वही लद्दाख का ट्रेलर है। लद्दाख जाने का भी मेरा मन है वैसे। अब देखो कि नेक्स्ट मंथ मेरे दोस्त निकल रहे हैं, ये करण भैया वगैरह भी जा रहे हैं, तो क्या पता अगर मेरा प्लान बना तो इनके साथ निकल जाऊंगा, नहीं बना तो फिर जब किस्मत लिखा होगा तब से ही। तो भाई अगर रास्ता इग्नोर कर दो कि जो बीच में बैड पैच या गड्ढे पॉट होल्स वगैरह आ रहे हैं, भाई लोकेशन एक नंबर। रियासी इतना सुंदर है ना, सिर्फ सुना था मैंने, अब मैंने 3-4 बार आ चुका हूँ भाई। आने का जो मज़ा है ना, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 3:30 बज रहे होंगे, बट अगर शाम के टाइम मैं गारंटी के कह रहा हूँ कि भाई मौसम इतना हवा वाला हो जाता है ना, हवा जाता है विंडी और ठंडा की, मतलब जाने में भी मज़ा है यार। तो ये रास्ते से ऊपर गए थे हम, ये रास्ता जो है ये जाता है भीमगढ़ फोर की तरफ और आगे चिंका लेक भी जाता है। जिस रास्ते से अभी हम आए वो भी जाता है चिंका लेक, बट दिक्कत ये है कि ये टूटा हुआ है, जो ऊपर से हम वापस आए वो सही रास्ता। तो ये आगे अपने राइडर लोग रुक गए हुए हैं, वेट करेंगे कि पीछे फेलो राइडर्स यहाँ इकट्ठे हो जाएं जो भी है। डोमिनार 250 ड्यूक R15 और आगे करण भैया की GT। तो एक लास्ट राइडर का वेट कर रहे हैं भैया, थोड़ी पीछे आ गए, आराम से आ रहे हैं कि पॉट होल्स बचाते हुए, क्या सीन है उनका। लो जी आ गए। तो ये कही आगे ड्यूक पे दोनों आए हुए। एक चीज़ है कि इन्होंने डबलिंग करके भी हेलमेट दोनों ने पहना हुआ यार, ये सही चीज़ है। तो नीचे भी चेक करो लोग, यहाँ पे भी नहाने आवाने आए हुए हैं। वैसे ऑब्वियसली यार जम्मू का इलाका और साथ में ठंडा उंडा पानी होगा, यहाँ पे चिल करने आते हैं फैमिलीज़ के साथ, जो हम भी तो चिल करने आए थे, पर दोस्त लोगों के साथ चलता है इतना तो। तो अब रोड थोड़ी वाइड ओपन हो चुकी है, तो थोड़ा बाइक्स में डिस्टेंस भी आ गया, सारे अपने फील्ड में अपनी स्पीड के हिसाब से चला रहे हैं। जिसको थोड़ी तेज़ चलाना है वो आ गया, जो मेरी तरह क्रूज़ करे, जैसे मैं डोमिनार वाले भैया के पीछे हूँ तो पीछे, अभी तो पीछे रहूँगा, अगर मूड हुआ थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा मतलब एक्सेलरेट करके अपना फील्ड वो लेके फिर इनके पीछे आ जाऊँगा। चल रहे हैं जैसे लेन में चलने दो। अब ये ट्रक से थोड़ा सा, हाँ तो ब्लाइंड कॉर्नर से 3-4 से हम वेट कर रहे थे, एकदम ब्लाइंड कॉर्नर पे तो ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि आगे से गाड़ी आ गई, तो फिर दिक्कत होगा, सामना हमें करना पड़ेगा। अगर गाड़ी सच में आ गई तो भाई जो किस चीज मूची होगी ना गाड़ी बाइक से या बाइक से, तो भाई वो तो अलग ही है। ओ तो बाइक थोड़ी स्किड कर गई। तो एक करण भैया थोड़ी फील में, ओ ओ ओ ओ गड्ढे में गई बाइक। यहाँ हो जाते हैं थोड़ा सा स्लो, थोड़ा पीछे फील लिया क्योंकि बेसिकली यार देख के निकालना पड़ता है ऐसे रोड पे गड्ढे ऐसे ऐसे करके, पर ठीक है यार ये मतलब ग्रुप राइड्स में भी अच्छा आता है अगर दोनों कंपनी अच्छी होगी ना, कोई छपरी छुपरी वाला नहीं हो, मतलब एक दूसरे से रेस लगा रहे, तो वो गलत बात है यार। अपन लोग चल रहे हैं देखो, जैसे कि आगे फेलो राइडर्स हमारा वेट कर रहे हैं। कॉर्नर पे एकदम से होता है कि रोड इतनी सी हो जाए और उस पर भी बजरी पड़ी हो तो भाई गिरने का चांस पूरा रहता है। तो इसीलिए आगे करण भैया को मैं पीछे फॉलो कर रहा हूँ, तो जिस स्पीड में वो चल रहे हैं उनके पीछे होंगे, अगर मेरे से आगे हैं क्योंकि रोड वोड ख़राब आएगी, वो भी बाइक बचा बचू के चलाते हैं, गड्ढे में नहीं डालते, मेरी तरह ही है, तो इसलिए उनके पीछे पीछे जाने दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं हो साथ में यार कि ठीक है
अब जा रहे हैं घर की तरफ। अब पता नहीं इन लोगों को जाना है शायद जो है ना देवी पिंडी, तो वहाँ पे पुल वाली साइड। मैं निकलूंगा सीधे घर की तरफ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और ये गड्ढे देखो यार, एकदम बात करते करते कितने बैड बैच आ गया रोड का। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ ये गड्ढा तो मुझे दिखा नहीं, गड्ढे के अंदर चलेगी बाइक। राइट साइड कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मैं दूर से लगा, मुझे लगा यहाँ पे दे मार दे बजरी इट चल रही है, एक दूसरे को लड़ाई वड़ाई होगी, पर ऐसे कोई सीन नहीं। लेफ्ट पे यार ये खेत वेत कितने सही लग रहे हैं यार, मतलब मेरे शाम को मौसम तो यहाँ बहुत सही हो रहा था। अभी फिलहाल अभी तो गर्मी है बट शाम को सही हो जाता होगा। साइड हम बढ़ते जा रहे हैं और रोड्स एकदम जो है ना कंडीशन रोड्स की काफ़ी अच्छी हो गई है। पीछे बहुत गड्ढे थे यार, मतलब थोड़ा सा भी एक्सेलरेट करने में या फिर मतलब थोड़ा सा स्पीड कैरी करने में कॉर्नर में डर सा लग रहा था, क्योंकि आगे कोई पता नहीं कंस्ट्रक्शन चल रही हो, बजरी पड़ी हो, यहाँ गड्ढा हो इतना बड़ा। अब सही है, मतलब स्मूथ पेन और खुली रोड्स हैं यार, और ट्रैफिक भी मिनिमल है क्योंकि आज संडे है भाई। मुझे लगा कि बाकियों का वेट करने को बोलेंगे अभी। तो करण भैया की बाइक पे मड गाड़ने के बाद चेक करना पीछे मिट्टी कहाँ तक आई हुई है। किधर बोल रहे यार? हाँ हेलो भाई, नो भैया मेरे को तो निकलना है, करण भैया से बात कर लो ना फिर आप। मैं भी निकल ही रहा हूँ यार। आप कहाँ? हम तो निकलेंगे मैं और करण भैया, आप बताओ अपना। करण भाई हाँ बोलो, क्या करना है? अकेले बाकी लोग जो थे एक ड्यूक 250, दो आरविन 5 और एक डोमना वाले भैया साहिल भैया, वो रुक गया, उनको जा रहे शायद नौ देवी वाली साइड। मुझे कुछ काम है, मैं निकल रहा हूँ घर की साइड। करण भैया को भी घर से कॉल आ गया तो हमको अनफॉर्चुनेटली हम उनके साथ नहीं जा पाए, हम निकल रहे हैं घर की तरफ। तो आगे रास्ते जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मुझे लग रहा है गोप्रो मेरा डेड होने वाला है, तो अगर वीडियो को ये पेंट करे थे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे ज़्यादा से सपोर्ट दिखाओ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, टेक केयर, टाटा बाय बाय। क्योंकि ये जो मोड़ी है ऊपर का रास्ता मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, तो ये जो टर्न है ये यहाँ पे ये जाता है रियासी वाली साइड। तो कटरा पहुँच के ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा लगेगा या एक घंटा लगेगा हमें जम्मू पहुँचने में, डिपेंडिंग कि हम स्पीड कैसी चलाते हैं। अब गोप्रो में कितनी बैटरी बची मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा व्लॉग करने का मन था तो मैं कर रहा हूँ। वैसे मैं वीडियो तो मैंने पीछे एंड कर दी हुई थी। मार्केट यहीं पे दुकानें वगैरह होटल्स वगैरह स्टार्ट हो गए हुए हैं, तो पीछे से सीधा रास्ता जा रही है, जा रहे भवन की तरफ चढ़ाई स्टार्ट करने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन जहाँ से आप करवाते हो। तो हम लोग जा रहे हैं जम्मू की तरफ, ये टाइम हो गया यार, अब घर की तरफ भी निकलना था। वैसे मैं और करण भी अकेले निकले हुए हैं, जैसे कटरा का बोर्ड आपको दिख रहा है भाई, ये है कटरा, तो मस्जिद भी है भाई यहाँ पे। तो अभी आगे जा रहा हूँ मैं, करण भी पीछे हैं, तो आराम से। अब ये जो रोड है ना कटरा वाला, ये जो स्टार्ट हो गया हुआ है, तो भाई ये एकदम प्लेन मक्खन रोड है, जो ऐसे होता है ना कि मक्खन अमूल बटर वैसे रोड है, कोई गड्ढा नहीं रोड पे। तो अब वापस हम जा रहे हैं जम्मू के पेट्रोल पंप से, काफ़ी आ गया। वैसे जाते हैं मुझे टेंशन थी कि पेट्रोल कम पड़ जाएगा, जैसे पेट्रोल डलवाया तो हमारा चिंका लेक का प्लान कैंसिल हो गया। तो अपन लोग वहीं पर बैठ गए चिनाब के पास, बैठे वहाँ पर चिल कर रहा थोड़ी देर, फिर वहाँ से अब निकल गए हैं। बाकी फेलो राइडर्स जो थे हमारे वो चले गए हैं नौ देवियों की तरफ और हम जा रहे हैं उधर जम्मू की तरफ वापस। तो ये करण भैया, तो वीडियो को तो वीडियो तो हम यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे मतलब सपोर्ट बनाए रखो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टाटा टेक केयर, टाटा टेक केयर, बाय बाय।